नई उम्मीदों के साथ 2021 का आगाज हो गया। अस्सलाम वालेकुम, टाइम्स ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूं महनाज। पाकिस्तान में 12 बजते ही नए साल का आगाज हो गया। 2020 का साल कोरोना वबा और कई गम देकर रुखसत हुआ। पाकिस्तान में नए साल 2021 का आगाज हो गया है। नए साल के इस्तकबाल के लिए मुख्तलिफ शहरों में आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद और दीगर शहरों में नए साल के जश्न का अहतमाम किया गया। न्यू ईयर नाइट पर मुख्तलिफ शहरों में इंतजामिया की जानिब से पाबंदियों का ऐलान किया गया था। नए साल की आमद के मौके पर नौजवानों और फैमिलीज की बड़ी तादाद सी व्यू पहुँची। सिक्योरिटी के भी खसूसी इकदाम किए गए हैं। इस्लामाबाद के निजी मॉल की इंतजामिया की जानिब से सालनों को खुश आमदेद करने के लिए आतिशबाजी का अहतमाम किया गया। आतिशबाजी को देखने के लिए शहरियों की एक बड़ी तादाद निजी मॉल के बाहर मौजूद थी। सालनों का जश्न मनाने के लिए बड़ी तादाद में सयाह मलका कौसर मरी पहुंच रहे हैं। सयाहों के रश की वजह से ट्रैफिक का इंतज़ाम बुरी तरह मुतासर हुआ है। मरी की तमाम सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जाम है। पाकिस्तान में तलख और शीरें यादों को अपने दामन में समेट कर सन 2020 इख्तिताम पजीर हो गया। आज ढलते सूरज ने अहले पाकिस्तान को नई उम्मीद और नई सुबह का पैगाम दिया कि जो बीत गया इसे भूल जाएं और नए साल में नए हौसले से जाएं। पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ शहरों के तफरीही मकामात पर आतिशबाजी के मुजाहरे किए जा रहे हैं, जबकि इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। टाइम्स ऑफ पाकिस्तान में फिर वक्त इतना ही। मज़ीद जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक करें। इसके साथ ही मनाज़ में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।